तो आपको घर पे बने रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बहुत ज़रूरी होने पे ही घर से बाहर निकलना है। आप देख रहे हैं कि मार्केट में लोग बिना खौफ के निकल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी जान के साथ नहीं, बाकी लोगों के जानों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि खुद को भी सेफ करना है, अपने परिवार वालों को भी सेफ करना है और हमारे समाज को भी सेफ करना है। तो चलिए, आपको घर बैठे पढ़ाई करने का जो सबसे बेहतरीन मौका मैंने दिया है, आपको इस मौके को भुनाना है और आपको पूरी वीडियो के सीरीज को देखना होगा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द सारे टॉपिक को कवर कर दूँ, जिससे आपका पूरा का पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन घर पे बैठे हो जाए। और ये बूस्ट मुझे तभी मिलेगा कि जब आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा लोगों को भी रिकमेंड करेंगे और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये भी कि अगर आपका कोई डिमांडिंग चैप्टर है तो आप वो भी मुझे मेंशन करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं। और मैं तो अपनी वेबसाइट को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ, मेरा वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सारा का सारा टॉपिक वहाँ मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस पूरी वीडियो में बने रहना है और हम लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स के फंडास को, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि ये आपका चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप लगभग 5 नंबर डिजर्व करते हो। तो आप इस पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर का हेडिंग है बेटा, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस के बारे में कि हम अगर हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसके कंसिस्टेंसी के क्या कंडीशंस होंगे मैट्रिक्स मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमने वहां वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि होमोजेनियस किसे बोलते हैं, आप नॉन होमोजेनियस किसे बोलते हैं। तो हमारा कंसिस्टेंसी के अबाउट है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो दो ही कंडीशन दे सकता है, या तो आपको वो सॉल्यूशन देगा या तो वो सॉल्यूशन नहीं देगा। तो अगर वो सॉल्यूशन देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट यानी कि संगत, ठीक है। और अगर हमें वो सॉल्यूशन नहीं देगा तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत, ठीक है। तो या तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा या तो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। फिर हमने देखा था कि कंसिस्टेंट अगर है, यानी कंसिस्टेंट का मतलब हैविंग सॉल्यूशन, उसके पास सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर हमने देखा था, यहां पे हमारे पास दो कंडीशन आया था, एक पहला था यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, और दूसरा हमारा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है। और हमारा जो फार्मूला था वो फार्मूला क्या था, x इक्वल टू इनवर्स b, ठीक है, x इक्वल टू इनवर्स b। इतना डिस्कस मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा। अब हमारे पास कंसिस्टेंट अगर हम लोग देखें कि हम लोग पढ़े थे a1x plus b1y plus c1a2x plus b2y इक्वल टू c2, और किस स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। और 10th स्टैंडर्ड में हमें सर ने बताया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है, इसका क्या कंडीशन बताया गया था, a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2। और इसका क्या कंडीशन बताया गया था, a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2।
पर ये कंडीशन हमें 10th स्टैंडर्ड में बताया गया था, नॉर्मल कॉफिशियंट के रेशियो के हिसाब से बताया गया था, लेकिन हमें यहाँ मैट्रिक्स के हिसाब से देखना है कि इसका क्या कंडीशन होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत जगह मिलेगा। तो कहता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हमारा जो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में हमने ए एक्स और बी जो मैट्रिक्स के रूप में माना था, तो ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट यानी जो कॉफिशियंट वाला मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का मान जीरो नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब अगर मैं कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा तो 12th स्टैंडर्ड में इसका सीधा सा मतलब होता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस का चर्चा है ही नहीं 12th स्टैंडर्ड में, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए उसके कंडीशन को डिस्कस किया गया है। तो जब भी बात की जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो आपको समझ लेना है कि नॉन होमोजीनियस के बारे में बात की जा रही है। तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि इसके डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं होगा, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट का मान जीरो होगा, और साथ में एडजॉइंट ए इंटू बी का जो मान होगा वो भी एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है और ये वैल्यू है। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या है बेटा, कि डिटरमिनेंट का मान जीरो होगा और एडजॉइंट ए इंटू बी का भी मान कितना होना है, जीरो होना है। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन है कि डिटरमिनेंट का मान जीरो होगा और साथ में एडजॉइंट ए इंटू जो बी का मान होगा इज नॉट इक्वल टू ओ। ठीक है, वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरह से कि हमारा जो है कंसिस्टेंसी का बेटा कितना कंडीशन है, दो कंडीशन है, कौन कौन सा, यूनिक और इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंसी का कितना है, एक कंडीशन है। लेकिन अगर आप निकाल रहे हैं और डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं आया है, तो आपको समझ लेना है कि ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में भी कौन सा कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपके डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा जीरो, और डिटरमिनेंट का मान जैसे ही आपका जीरो हो जाएगा और फिर आप देखोगे कि अब क्या करना है, क्योंकि आपको तो पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो दोनों कंडीशन में है, कंसिस्टेंट में भी है और इनकंसिस्टेंट में। तब आपके प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे और बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन है, दो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको इस पार्ट में कह रहा है कि आप सिर्फ ये बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हम लोग दो वेरिएबल वाला ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए मैंने दो वेरिएबल वाला लिया है, और ये सेम रूल आप तीन पे भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस भी सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पे हमारा कॉफिशियंट वाला मानेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 1 1 माइनस 1, और यहाँ पे आप मानोगे x 10 टू सॉरी एक्स वाई, और b इज इक्वल टू मानोगे तो 10 टू। ठीक है, चलिए मैंने ये सब वीडियो में डिस्कस करा हुआ। सबसे पहले यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 माइनस 1, या गुना करोगे -1 -1 यानी कि -2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये जीरो नहीं हुआ, और जैसे ही जीरो नहीं हुआ आप टेंशन फ्री हो गए, भगवान से प्रार्थना करो कि जीरो ना हो, क्योंकि आप आगे प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, यही भी बता देंगे कि हाँ ये कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, यानी यह संगत है। ठीक है, ये क्या निकाल लेंगे कि यह क्या है, संगत है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे हम लोग a इज इक्वल टू ले लेते हैं बेटा 1 1 2 2, x का वैल्यू तो एक्स वाई होगा, और b का वैल्यू आपका जो है वो कितना है, 10 एंड 20 है। चलिए सेम प्रोसेस है, डिटरमिनेंट a का मान निकालेंगे, 1 1 2 2, 2 माइनस 2, मामला फंस गया, जीरो आने के साथ मामला फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि आप ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। तो अब प्रोसेस आगे होगा, कंडीशन बताया एडजॉइंट ए का मान निकालना। चलिए अगेन एडजॉइंट ए, एडजॉइंट निकालने आया ना डायरेक्ट, चलिए वीडियो मिला है, वीडियो में मैंने एडजॉइंट का ट्रिक बताया डायरेक्ट निकालने का, डायरेक्ट निकालेंगे, सो घुमा देंगे 2 1, आपका डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, आप जाके देखो, सारे वीडियोस को देखो, तभी जाके फायदा ले पाओगे, -2 -1।
ठीक है, एडजॉइंट ही निकल गया। अब हम लोग उसको प्रोसेस की तरफ प्रोसेस करते हैं, यह हो गया था, ये क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं था आपका। चलिए प्रोसीड करते हैं इसको कि नाउ हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, कितना आएगा पहले से नहीं, पहले से जीरो मत करना, आपको थोड़ी पता है वो जीरो होगा या नहीं होगा। तो चलिए आपका क्या हो गया, टू माइनस वन माइनस टू वन, और बी का जो मान है आपका कितना है, टेन है ट्वेंटी, ठीक है, गुणा करने आ रहा है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का वीडियो भी बनाया हुआ, आप मल्टी देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख लोगे, ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी, सॉल्व करने आ रहा है, जीरो जीरो जीरो, यानी कि यहाँ पे निकल गया एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो गया। और देखो डिटर्मिनेंट का मान जीरो और एडजॉइंट ए इंटू बी का मान जीरो, ये किस कंडीशन में आता है, इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट के कंडीशन में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। इससे पहले वाला भी जो आपका क्वेश्चन था वो भी कंसिस्टेंट था, लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन था, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां डिटरमिनेंट का मान जीरो आता है और आप गुणा करने के बाद ये जीरो नहीं होगा, यानी इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, एटलीस्ट एक भी एलिमेंट अगर बच गया, तो हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू ओ, और ऐसे कंडीशन में लिखेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करना है। तो चलिए आपको देखना है कि कंसिस्टेंट होने का दो कंडीशन आएगा, वो इनफाइनाइट या यूनिक। इनफाइनाइट के लिए क्या बेटा, डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और इन अगर आप सॉरी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन है कि डिटरमिनेंट का मान जीरो होगा और साथ में एडजॉइंट ए इंटू बी का मान भी जीरो होगा। और नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन मैंने बताया है, आपका डिटरमिनेंट का मान जीरो होगा लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपका कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए फिर से धन्यवाद। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, आप नए नए सुझाव देते हैं तो मुझे मेरा हौसला बुलंद होता है, और मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ नए तरीके से, और आपको फिर से इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।